नाम। 14 फरवरी को चुनाव है और गोवा के लोग इस बार बहुत एक्साइटेड हैं। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इलेक्शंस। उनको लग रहा है कि इस बार असली बदलाव आएगा। अभी तक चॉइस नहीं थी, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, और अब तो वो दोनों एक ही पार्टी हो गई थी। अब बीजेपी बेसिकली तो कांग्रेस ही हो गई है। सारे कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए तो वो भी कांग्रेस है। सारी सारा एक ही परिवार है, सभी एक ही कुनबा है। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग तंग आ चुके हैं। जब से गोवा आजाद हुआ तब से लेके आज तक 15 साल बीजेपी का राज रहा, 15 साल एमजीपी का राज रहा, 25 साल कांग्रेस का राज रहा। तो आज गोवा की जो हालत है उसके लिए ये सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं। आज गोवा में यूथ की जो हालत है, आज गोवा में बेरोजगारी का जो आलम है, आज गोवा में जो इतना ज़्यादा करप्शन है, उसके लिए सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी एक फ्रेश होप के रूप में सामने आई है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारा गोवा को लेकर क्या विजन है, तो 13 पॉइंट एजेंडा मैं आज गोवा के लोगों के सामने रख रहा हूँ, जिसे हमने पिछले 1-1.5 साल में बहुत गोवा के लोगों के साथ बातचीत करके, गोवा के लोगों के साथ सेवरल राउंड्स ऑफ डायलॉग्स करके ये पूरा एजेंडा तैयार किया है, जो मैं आपके सामने एक एक करके रख रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है रोजगार। गोवा के यूथ, गोवा का युवा बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है। कल भी शाम को मेरी कई सारे युवाओं से मीटिंग हुई। उनका एक तो दुख है कि रोजगार नहीं मिल रहा, लेकिन जो ज्यादा बड़ा दुख है वो ये कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। सबको मालूम है कि नौकरियां कम हैं, लेकिन वो कम नौकरियां गलत तरीके से रिश्वत लेके या सिफारिश के जरिए गलत लोगों को दी जा रही है। देयर इज नो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सबको बराबरी का हक नहीं मिल रहा। अगर कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, उसको नौकरी नहीं मिलती। तो ये खत्म किया जाएगा। तो कल मैंने जब उनको कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम, उन्होंने कहा सब बहुत ज्यादा करप्शन है, बहुत ज्यादा करप्शन है। जब तक आप रिश्वत नहीं देते तब तक नौकरी नहीं मिलती, और या आपको सीएम की कंस्टिट्यूएंसी का होना पड़ेगा, उसका वोटर होना पड़ेगा, फलाने की कंस्टिट्यूएंसी। जस्ट अ फ्यू कंस्टिट्यूएंसीज विच आर, कुछ कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां सारी नौकरियां जा रही हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे ये वोटर बन जाएं, तो गलत तरीके से। तो हमने कहा हमारी सरकार बनेगी तो हम करप्शन को, इसको दूर करेंगे। और तो फिर एक युवा ने मेरे से पूछा कि ये तो सारी पार्टियां कहती है सर, चुनाव के पहले आप भी कह रहे हैं, दूसरी पार्टियां भी कहते हैं, हम आपके ऊपर कैसे विश्वास करें? बिल्कुल सही पूछा कि हमारे ऊपर क्यों विश्वास करें, इस टाइम तो सारे कहेंगे कि हम अच्छा अच्छा करेंगे। मैंने उनको कहा कि दिल्ली में हमने करके दिखाया है, हमारा डीएनए क्या है ये आपको दिल्ली की गवर्नेंस से पता चलता है। दिल्ली में हमने ईमानदार सरकार चला के दिखाई है, और वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया हमको कि सबसे ईमानदार पार्टी है ये देश की। मोदी जी ने मेरे ऊपर रेड कराई, मोदी जी ने मनीष सिसोदिया पे रेड कराई, सीबीआई की रेड कराई, पुलिस की रेड कराई, हमारे 21 एमएलए को गिरफ्तार किया, सारी रेड कराई उन्होंने। उनको हमारी 400 फाइलें एग्जामिन करने के लिए मोदी जी ने एक कमीशन बिठाया, एक भी गलती नहीं मिली उनको। तो सबसे ईमानदार पार्टी है आजाद भारत की, 1947 के बाद से लेकर आज तक की सबसे ईमानदार पार्टी है। गोवा में सरकार बनेगी, ईमानदारी से सरकार चलाएंगे, और बच्चों को रोजगार देंगे, सबको रोजगार देंगे। जिनको रोजगार नहीं मिलेगा उनको 3,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। दूसरा पॉइंट है माइनिंग। माइनिंग में बहुत बड़े बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े। ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोग ट्राई करें और माइनिंग शुरू ना हो सके। माइनिंग शुरू हो तो सकती है, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट है। कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, वो करना नहीं चाहते, वो माइनिंग शुरू करना नहीं चाहते। हमारी नीयत साफ है, साफ नीयत वाली सरकार होगी। सरकार बनने के 6 महीने के अंदर हम लोग माइनिंग शुरू करेंगे।
लैंड राइट्स, बहुत परिवार ऐसे हैं जिन्हें उनको जमीनों का मालिकाना हक मिलना चाहिए। इसमें भी मैंने इसको पूरे इशू को एग्जामिन किया। इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज़ वेरी इजी टू डू, लेकिन नीयत खराब है। यहाँ भी बहुत ऐसे ऐसे बड़े बड़े शार्क्स बैठे हैं जिनके पास बड़े बड़े जमीन हैं, वो अपनी जमीनें छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ईमानदार सरकार होगी। जितने लोग हैं जिनको कई कई डिकेड से उनको अपने लैंड राइट्स नहीं मिले, उनको हम 6 महीने के अंदर लैंड राइट्स दिलवाएंगे। एजुकेशन, दिल्ली में हमने एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया और मुझे बहुत खुशी है। गोवा के किसी कोने में आप चले जाइए, गोवा में किसी से बात कर लीजिए, रिमोटेस्ट ऑफ द प्लेसेस, ही विल से उसको ये पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में हेल्थ और एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया। वो कहते हैं सर जो दिल्ली में आपने एजुकेशन में अच्छा काम किया है वो इधर भी कीजिएगा। तो स्कूल ठीक करेंगे, सरकारी स्कूल ठीक करेंगे, एजुकेशन का पूरा सिस्टम ठीक करेंगे ताकि लोगों को फ्री में अच्छे से अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिल सके, जैसे दिल्ली में करके दिखाया। हेल्थ, फिफ्थ आइटम इज हेल्थ। आज पूरे गोवा के अंदर सरकारी सेक्टर में एक ही हॉस्पिटल है, GMC, और उसकी भी आप लोग जानते हैं कितनी बुरी हालत है। जितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनका बहुत बुरा हाल है, प्रैक्टिकली दे आर नॉन एग्जिस्टेंट मेनी ऑफ देम। जैसे दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक्स खोले, हर गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, हर वार्ड के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और भी कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाएंगे। उन सारी चीज़ों को छोड़िए, बेसिकली मैं लोगों को एक हेल्थ गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपके घर में कोई भी बीमार होगा, दिल्ली में अगर कोई भी बीमार होता है तो क्रोसिन से लेके छोटी से छोटी दवाई, अगर फीवर भी है तो क्रोसिन से लेके और बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी है वो फ्री में होता है उसका। अगर किसी का 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए का भी ऑपरेशन होना है तो वो फ्री में होता है उसका। सारी दवाइयाँ फ्री है, सारे टेस्ट फ्री है, सारा इलाज फ्री है, हॉस्पिटलाइजेशन फ्री है, सब कुछ फ्री है और अच्छा इलाज होता है। सरकारी अस्पताल वाला इलाज नहीं होता, अच्छा प्राइवेट जैसा इलाज होता है दिल्ली के अंदर। वैसा ही दिल्ली में जैसे करके दिखाया, गोवा में भी आई एश्योर दैट सब लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिलेगी, फ्री में मिलेगी। सिक्स्थ इज करप्शन, ये केवल हम ही कर सकते हैं और देश में कोई नहीं कर सकता करप्शन दूर। हमने दिल्ली में करके दिखाया, गोवा में भी वी विल प्रोवाइड अ करप्शन फ्री गवर्नमेंट। सेवेंथ इज 1,000 रुपीज टू एवरी वुमन अबाउ 18 ईयर्स ऑफ एज। एट्थ इज एग्रीकल्चर, खेती को लेके किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी यहाँ आने से पहले मैं राम राव जी से ही बहुत डिस्कशन कर रहा था, इनके भी बहुत सारे आइडियाज हैं, ये जनता में घूमते रहते हैं। सिसिल अभी बात कर रही थी, उनके भी बहुत आइडियाज हैं। खेती को लेके जितने भी इश्यूज हैं उन सारे इश्यूज को फार्मर्स के साथ बैठ के, इस कम्युनिटी के साथ बैठ के सॉल्व किए जाएंगे। नाइन्थ इज ट्रेड एंड इंडस्ट्री। कल ही मुझसे कोई मिलने के लिए आया, कोई ट्रेडर था, व्यापारी था, इंडस्ट्रियलिस्ट था। उसने कहा इट इज सो डिफिकल्ट टू सेट अप अ न्यू इंडस्ट्री और अ न्यू ट्रेड इन गोवा, नया लाइसेंस लेना तो बहुत ही मुश्किल है। बोला पैसे भी ले लेते हैं फिर भी नहीं काम करते, इसको ठीक किया जाएगा, पूरा सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, रेड राज बंद किया जाएगा, इंस्पेक्टर राज बंद किया जाएगा, जैसे दिल्ली में किया हम लोगों ने, सारे प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया जाएगा। एंड वी वॉन्ट ट्रेड एंड इंडस्ट्री टू फ्लरिश, बिकॉज अंत पंथ में तो अगर व्यापार बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, तभी लोगों को रोजगार मिलेंगे। टेंथ इज टूरिज्म। गोवा पूरे देश में सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है टूरिज्म के लिए। इसको टूरिज्म के पूरे सेक्टर को बहुत बढ़ाया जाएगा ताकि लोगों को जॉब्स मिल सकें। एंड इट इज ऑलरेडी एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको डेवलप किया जाएगा। 11th इज बिजली। बड़े दुख की बात है कि इतने पावर कट लगते हैं गोवा के अंदर, छोटा सा गोवा है, उसके लिए भी जो मुझे पता चला कि देयर इज नो डर्थ ऑफ पावर इन गोवा, बिजली की कमी नहीं है, मैनेजमेंट की कमी है, उसको ठीक किया जाएगा। जैसे दिल्ली में हमने 24 घंटे बिजली की और फ्री में बिजली की,
ऐसे ही गोवा में भी 24 घंटे बिजली करेंगे, फ्री में बिजली करेंगे। 12वां आइटम है पानी। पानी की बहुत ज्यादा समस्या है गोवा में, पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। 24 घंटे पानी देंगे और फ्री में पानी देंगे, वो सावंत साहब वाला फ्री में नहीं, असली में फ्री में पानी देंगे। एंड 13th आइटम इज रोड। सड़कों का बहुत बुरा हाल है, मैं तो खूब घूमा हूँ गोवा के अंदर, सड़कें ठीक करेंगे, इंटीरियर्स की सड़कें भी ठीक करेंगे। ओवरऑल हमें एक फ्यूचर का गोवा बनाना है, लेकिन पास्ट को प्रिजर्व करके बनाना है। पास्ट को भी खत्म नहीं होने देना, पास्ट को प्रिजर्व करना और फ्यूचर का गोवा बनाना है। अभी तक हम लोगों ने जितनी गारंटीज दी, जो विजन रखा, उससे हर गोवा के परिवार को, एवरी फैमिली इन गोवा, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 5 साल के अंदर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं कह रहा, डायरेक्ट 10 लाख रुपए का 5 साल के अंदर फायदा होगा। हर फैमिली को 10 लाख रुपए का 5 साल में फायदा होगा। कैसे? हम बिजली फ्री करेंगे। ऑन एन एवरेज एक परिवार का 500 रुपए महीने का तो बिजली का बिल आ ही जाता है, तो 500 रुपए महीना 6000 रुपए का बिजली में बच जाएगा साल में, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे जिन जिन लोगों को बेरोजगार है, जो उनके पास रोजगार नहीं है, उनको 3000 रुपीज पर मंथ बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो साल का हो गया 36000 रुपीज। महिलाओं को 1000 रुपए महीना देंगे, तो अगर 2 महिला एक परिवार में है तो उनको 24000 रुपए साल का मिलेगा। हेल्थ पे सबका इलाज, सारा इलाज, अच्छा इलाज देंगे, फ्री में देंगे। ऑन अ वेरी कंजर्वेटिव एस्टिमेट हर साल का परिवार का 40-50 हजार रुपए, बड़ी बीमारी हो तो ज्यादा आ जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई, सब मिला मिलो के 40-50 हजार रुपए तो साल का बीमारी पे खर्च हो ही जाता है हर परिवार का। एजुकेशन, अच्छे सरकारी स्कूल बनाएंगे, फ्री में एजुकेशन मिलेगी। तो अगर एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे का 3000 रुपए महीना प्राइवेट स्कूल में बिल आ जाता है, तो 72000 रुपीज 2 बच्चों का हो गया। ये सारा ऐड करते हैं तो इट कम्स टू रफली 2 लाख रुपीज पर फैमिली पर एनम। हर परिवार को हर साल 2 लाख रुपए का फायदा होगा, तो 5 साल में हर परिवार को आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से, ईमानदार सरकार बनने से, हर परिवार को 5 साल में 10 लाख रुपए का फायदा होगा। तो मैं कल बच्चों से पूछ रहा था, युवाओं से, मैंने कहा कि क्या करोगे, पैसा देने आएंगे वो वोट डालने के पहले? सबके पास आते हैं कि नहीं आते सारे पार्टी वाले पैसा? मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब वो पैसा देने के लिए आए तो वो इस बात को याद रखें कि अगर आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो 10 लाख रुपए का फायदा होगा। 5000 रुपए या कितने देते हैं वो एक वोट के? कितने देते हैं? 2000 देते हैं, 5000 देते हैं? 2000। 2000 रुपए लेने से फायदा है कि 10 लाख रुपए लेने से फायदा है? ये तो लोगों को सोचना पड़ेगा। थैंक यू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका क्वेश्चन है, अगर गोवा के लोग इस तरह का मैंडेट देते हैं कि कोएलिशन पोस्ट इलेक्शन करनी पड़ती है, तो नॉन बीजेपी किसी पार्टी के साथ हम कोएलिशन करने की आफ्टर द इलेक्शन सोच सकते हैं, अगर जरूरत पड़ती है, लोग ऐसा मैंडेट देते हैं तो। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये जोड़ तोड़ की जो राजनीति है ना, ये हमें समझ नहीं आती। हम बहुत भोले लोग हैं, हम बड़े शरीफ लोग हैं, हमें इस किस्म की, हमें गोवा को कैसे डेवलप करना है वो आती है। आज मैंने गोवा के लोगों के सामने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव 13-point विजन रखा है, एजेंडा रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर गोवन गोवा को बदलना चाहेगा। ये ऑपोजिशन की यूनिटी, हम सारे मिलके उसको हराएंगे, उस पार्टी को हराएंगे, इस नेता को हराएंगे। जनता को कोई मतलब नहीं है इससे। जनता चाहती है मेरी जिंदगी सुधरे, जनता चाहती है मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, जनता चाहती है मेरे घर में कोई बीमार हो तो अच्छा, वो हम करने को तैयार हैं।
हैं जी, वन बाय वन विल यू बी लाइन अलाइनिंग विद टीएमसी? नो. व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट हैव दे डन? क्या आप मुझे बताओ क्या क्या काम किया उन्होंने? व्हाट आर दे टेलिंग? दो चीजें बड़ा इंटरेस्टिंग है. बीजेपी सेज दे हैव डन समथिंग इन फाइव इयर्स. व्हाट हैव दे डन? कैन यू प्लीज एनलाइटन मी? रोड्स तो टूटी पड़ी हैं. आप चलो मेरे साथ. फ्लाईओवर कितने साल बन गया? वो फ्लाईओवर कितने सालों में उन्होंने फ्लाईओवर बनाया? दिल्ली में हमने कई फ्लाईओवर बनाए. कॉस्ट से कम, जितना एस्टिमेटेड कॉस्ट था उससे आधी कॉस्ट में बनाए, आधे टाइम में बनाए. यहाँ तो मेरे को पता चला एक वो ज्वारी ब्रिज है, इट इज डबल्ड, कॉस्ट इज डबल्ड. और क्या क्या बता रहे हैं वो, क्या काम किया उन्होंने? वो बोल रहे थे फ्री पानी, फ्री कर दिया. आपका आपका आता है पानी का बिल? आता है, अभी भी आता है. आप सबका आता है पानी का बिल? झूठ बोलते हैं, करप्शन करते हैं, पैसे खाते हैं. किस मुंह से वोट मांगने के लिए जाएंगे लोगों के पास? बहुत जल्दी, वेरी सून, बिफोर द इलेक्शन डेट सर्टेनली. मैं मनोहर पारिकर जी की इज्जत करता हूँ, उनके बेटे का स्वागत है अगर वो आना चाहें तो. सर एक इशू आता है कि आप नॉन बीजेपी के साथ बाद में इलेक्शन के बाद आपका कोलिशन बना रहे हैं तैयार, तो इसके पहले ही क्योंकि वोट कटिंग का इशू. मैंने कहा कि हम गोवा के इस पूरे विजन के ऊपर वोट मांग रहे हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें कोलिशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जनता का जो फैसला है वो सुप्रीम है. अगर जनता फैसला देगी कि नहीं मैंडेट ये है, वी विल रिस्पेक्ट दैट मैंडेट. बट आप लोगों पे यकीन रखिए ना, आप ये लोगों पे यकीन रखिए कि लोग हमें बहुमत देंगे. व्हाई डोंट यू हैव फेथ इन द पीपल? आप अभी आपने कांग्रेस का नाम लिया. सर, कोई एक मिनट सुनो सुनो, जस्ट सुनो 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 सुनो. अभी आपने कांग्रेस का नाम लिया, कोई कांग्रेस को वोट क्यों देगा? उसे पता है कि कांग्रेस को वोट दिया तो वो तो बीजेपी में जाएगा. कितने पिछली बार 17 सीट आई थी, कितनी बच गई? 2 बच गई, 15 लोग चले गए. सर्टेनिटी है, गारंटी है. अब तो जैसे मैं आके कहता हूं बिजली की गारंटी है, कांग्रेस भी गारंटी दे रही है कि हमें वोट दोगे तो बीजेपी को जाएगा. वो गारंटी है कांग्रेस की. कोई क्यों देगा वोट कांग्रेस को? राजनीति बदल रही है. संजय राउत ऐसा कहते हैं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो प्रचार कर रहे हैं, गोवा में उनका मुख्यमंत्री होना ही बाकी है और दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री गोवा में घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं. उनको बोलो अपना संभालें, हमें बताने की जरूरत नहीं है. जय यूपी और पंजाब में कैसे थे? पंजाब में सरकार बनेगी, आम आदमी बैठेगी, ऐसा लगता है. लोग मन बना चुके हैं. देखिए पूरे देश के अंदर इस टाइम माहौल ये है कि आम आदमी पार्टी एक उम्मीद के रूप में पूरे देश में देखी जा रही है. हमने दिल्ली में जो काम किया है वो आज तक 1947 के बाद से किसी पार्टी ने नहीं किया. हमने शिक्षा, एक आम आदमी को आपको क्या चाहिए अपनी जिंदगी में? एक आम आदमी क्या मांगता है? सर पे छत चाहिए, रोटी चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, कोई बीमार हो जाए तो इलाज चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, यही तो चाहिए. कौन सी पार्टी वो ये देती है? केवल आम आदमी पार्टी. कौन सी पार्टी वोट मांगती है? अच्छा अभी गोवा के अंदर मैं इतनी बार आया, मैंने कहा हमारी सरकार बनेगी हम बिजली देंगे, मैंने कहा हमारी सरकार बनेगी हम स्कूल अच्छे बनाएंगे, हम हॉस्पिटल अच्छे बनाएंगे. हम कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस कहीं भी गोवा में जाके कह रही है कि हमें वोट दो हम स्कूल बनाएंगे. बीजेपी ने कहा, बीजेपी कहीं भी जाके कह रही है कि हमें वोट दो हमने अच्छे स्कूल बनाए और अच्छे स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल कह रही है. कोई पार्टी नहीं कह रही है. किसी पार्टी को बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल किसी से परवाह ही नहीं है.
वो कह रहे हैं वोट दो, इस बार हमारी बारी है लूटने, पिछली बार इन्होंने लूटा था, इस बार हमारी बारी, यही तो कह रहे हैं वो लोग। और आप लोग भी मेरे से पूछ रहे हैं कि वो वोट कट जाएगा, देश को बदलना है, गोवा को बदलना है, एक नया गोवा बनाना है, नया देश बनाना है, लोगों का काम करना है, राजनीति बदलनी है। 13 मुद्दे रखे और भी कुछ मुद्दे चर्चा में, जिस तरह से गोवा में कैसीनो है, गोवा में ड्रग्स काफी मात्रा में, उन पे भी काम करेंगे। ये इट्स अ डायनेमिक एक्सरसाइज, इट्स अ डॉक्यूमेंट इन प्रोग्रेस, तो इसको ठीक करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे। सर यूपी में महागठबंधन जरूरी लगता है आपको? यूपी छोड़ना, अभी गोवा की बात करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जैसा मैंने कहा, मेरे को इस सारी चीजों से, आप मेरे से ये पूछिए कि सड़कें कैसे ठीक करोगे, आप हॉस्पिटल कैसे बनाओगे, आप स्कूल, मेरे को डेवलपमेंट करना आता है, वो जोड़ तोड़ के लिए वो सारे बैठे हैं, वो सारे बैठ के रात भर यही करते हैं। थैंक यू। हाँ जी, देखिए एक बार सरकार बनने दीजिए, उसके बाद जब फाइनेंसेस जो भी होगा, फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर फाइनेंसेस लेके बैठेंगे, हमारा तो मकसद ही है ईमानदार सरकार होगी, पैसे बचेंगे तो डेफिनेटली जनता को सुविधा मिलेगी, तो अगर ये पॉसिबल होगा तो जरूर करेंगे, हम तो करना चाहेंगे, वी विल लाइक टू डू इट। उसके ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है, वो सही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है, आम आदमी की सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी नेशनली इंपॉर्टेंट है, नेशनल लेवल की बात है, लेकिन दोनों तरफ से राजनीति हो रही है, वो सही नहीं है। थैंक यू। Thank you.